अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुद्दत के बाद बात हो रही है। डॉक्टर असलम नवीद, मेंस केयर क्लिनिक कराची से। सवाल तो आते रहते हैं। अभी एक सवाल आया है जिसमें ये पूछा गया है कि डज डेली मास्टरबेशन मेक द मैन लुक ओल्ड। तो सेकंड है कि क्या ये मेमोरी पे भी इफेक्ट करती है, और तीसरा ये कि डेली मास्टरबेशन क्या ये जो आठ मदरजल मैं फिर वन बाय वन बताऊंगा, तो क्या इन आठ चीजों पे इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे ये आठ चीजें वकूअ पज़ीर होती हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि ये सवाल मुदाते खुद अपनी जगह अहम है कि क्या डेली मास्टरबेशन होना ठीक है या नहीं। तो इसमें एक जवाब तो फौरन आ जाएगा कि नो, क्योंकि कोई भी चीज डेली बेस पे या एक्सेसिव जो होती है, चाहे वो अच्छी चीज भी हो, हेल्पफुल भी हो हेल्थ के लिए, वो तो डेली ठीक नहीं है उस तरह रूटीन, सिवाय इसके के एक जो नॉर्मल डाइट है, एक गुड डाइट डेली लेनी है, वॉक डेली करनी है, नींद अच्छी लेनी है, जो हेल्दी चीजें हैं उन्हें तो डेली ठीक है, लेकिन ये उस अंदाज में मास्टरबेशन को उस लिस्ट में नहीं लिया जा सकता। ये होता है एज पर डिजायर, इसकी डिजायर कब है और डिजायर को, और वो भी जेन्युइन डिजायर। एक होती है आर्टिफिशियल डिजायर। आर्टिफिशियल डिजायर किसे कहेंगे, जो कुछ तो लोगों के पेशे से मुतल्लिका होती हैं, जैसे सुनियार हैं या जैसे अंडरगारमेंट वाले हैं, या जिस तरह से जिनमें खवातीन का आना जाना ज्यादा रहता है जिन बिजनेस या कारोबार में, उनमें ये आर्टिफिशियल होती है कि सोच हर वक्त मुतासर होती है। उसे अगर साइड पे करें तो फिर भी ये डेली रूटीन इसकी मुनासिब नहीं होती, पहले को इस बात को समझे। दूसरी चीज ये है कि सेल्फ मास्टरबेशन, इन चीजों को क्या इनकी वजह बनती है जो ये बताया गया है, जो इसके सवाल आए हैं कि मेमोरी पे नेगेटिव असर डालती है। बिल्कुल अगर इसे कहा जाए कि फिजिकली इसके कोई इफेक्ट्स नहीं है मेमोरी पे, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस अंदाज में, यानी नफसियाती तौर पे, कि जब आप कोई जब कोई किसी चीज की गिल्ट होगी, कोई एंजाइटी होगी किसी चीज के बारे में, तो वो आपकी याददाश्त को मुतासर कर सकती है, वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। तो इसी तरह अब ये जो सवाल है कि क्या मास्टरबेशन यानी हाथ का इस्तेमाल, क्या इनकी वजह से ये आठ चीजें वकूअ पज़ीर होती हैं, नंबर वन आया है कि क्या इससे जो अदा है इंसानी जिनसी अदा, तो उनमें दर्द होता है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है, एक अफसाना है, ऐसा नहीं होता। और इसी तरह क्या डिक्रीज स्पर्म हो जाते हैं इससे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कुदरती प्रोडक्शन है, या अगर ये प्रोडक्शन प्रॉपर हो रही है बॉडी में, सवाल ये है कि अगर प्रोडक्शन प्रॉपर ही नहीं हो रही तो फिर मास्टरबेशन हो या ना हो। अब जितने कपल्स हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का इशू होता है, यानी औलाद नहीं हो रही होती है, तो क्या वो मास्टरबेट कर रहे होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो मास्टरबेशन पे तो ये एक किस्म का इल्जाम कह लें कि ये एक मिथ है, एक अफसाना है। तो इसकी वजह दूसरी होती है, अगर स्पर्म में कमी होती है तो वो जनरल हेल्थ की वजह से होती है, या और दूसरे फैक्टर्स हैं, मास्टरबेशन इसकी वजह नहीं। और तीसरी चीज आ जाती है इसमें कि क्या धात भी इसी वजह से हो रही होती है, जिसे आप जलियान धात कच्ची मनी मजी कुछ भी नाम दिए हुए हैं, वो मेरे लेक्चर हैं दूसरे, वो जा करके हमारे चैनल पे देखे जा सकते हैं मेंस केयर क्लिनिक्स पे। तो वो इसका इससे डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि ये अफसानवी चीज है, इसे फैला दिया गया है सदियों से, इसलिए ये नफसियाती तौर पर असर जरूर डालती है बात, अदरवाइज जलियां से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह नाइट फॉल है, अब नाइट फॉल को भी बीमारी अगर समझा जाए या कमजोरी समझा जाए तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक बीमारी बना दी गई है। हालांकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये जब वो थैलियां भर जाती हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, तो ये एक्चुअली आपकी प्रोडक्शन का साइन है कि आपकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक से हो रही है, स्टोर भर गया है, खाली हो गया है, क्योंकि इससे कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। ये तो बल्कि गुड साइन है कि आपकी प्रोडक्शन सही हो रही है। ओके इसी तरह इसमें दिया गया है कि रशिज हो जाते हैं आगा पे, मेल आगा पे, इससे मास्टरबेशन से रशिज तब हो सकते हैं कि अगर इसे ड्राई हैंड से कुछ किया जा रहा है, मास्टरबेट किया जा रहा है, या बहुत अग्रेसिवली किया जाएगा तो रशिज के चांसेस हो सकते हैं। और अगला जो अगली जो बात है वो है कि रेडनेस हो जाती है, तो रेडनेस भी हो सकती है, कुछ लोगों को फ्रिक्शन एलर्जी होती है तो उनको रेडनेस हो सकती है, अदरवाइज इसके डायरेक्ट कोई इससे ताल्लुक नहीं है रशिज होने के, रशिज होते हैं कि। इसी तरह फिर सोशल विड्रॉल की बात आ रही है, सोशल विड्रॉल भी तभी होगा जाहिर है जब वो गिल्ट आएगा, तो कि खुद से इंसान, क्योंकि दूसरे लोग उससे डिप्रेस करते रहते हैं ये बता करके, या जैसे मुआशरे में ये चीज आम है मास्टरबेशन से ये नुकसान हो जाते हैं, तो वो फिर खुद से उसमें जाते हैं, एंजाइटी में, गिल्टी कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तो इस तरह की साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूर हो सकता है जिस वजह से फिर वो सोशल एक्टिविटीज में कमी कर देता है। तो इसी तरह फिर कहा गया है कि जी क्या इससे सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है, तो वो जाहिर है अगर उसने इस चीज को कॉन्शियसली लिया है, गिल्ट में है वो, तो फिर वो उनका ये भी सेल्फ एस्टीम भी कम हो सकती है, तो लेकिन इसके कुछ जिस्मानी नतीजे नहीं है ये। इसी तरह इसमें कहते हैं कि क्या माइंड डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इससे, बिल्कुल ये इस पर मुस्कुराया ही जा सकता है, इसके फिजिकल कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो उसको उसी जो मैंने बताया कि अगर कॉन्शियस इतना हो रहा है, गिल्ट में जाता है, एंजाइटी में जाता है, तो फिर वो वाकई ही थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस की जा सकती है। तो ये 8 सवाल हैं जो कि आमतौर पे ये अफसाने के तौर पे ही लिए जाते हैं, इनकी हकीकत कुछ और है, जबकि इन्हें पेश किसी और तरह किया जाता है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक आएंगे। थैंक यू वेरी मच।